गुड मॉर्निंग दोस्तों, आखिर क्या है ये पार्किंसन डिजीज? किन कारणों से पार्किंसन डिजीज होती है? इनके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इन पेशेंट को क्या खाना चाहिए? कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? इनके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? क्या ये पेशेंट चाय और कॉफी पी सकते हैं? कितनी उम्र तक ये जीते हैं? और क्या ये डिजीज क्यूरेबल है या नहीं? चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इन सबके बारे में। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज का मतलब है कि हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं वो किसी कारणवश डैमेज हो जाते हैं, और इसी डैमेज की वजह से हमारा डोपामिन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, जिसके कारणवश पेशेंट को पार्किंसन डिजीज होती है। डोपामिन एक केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमिटर का काम करती है और ब्रेन में जो अलग अलग नर्व सेल्स हैं उनमें मैसेजेस भेजती है। अगर ये सिग्नल भेजना बंद कर दे या फिर ये मैसेज भेजना बंद कर दें तो इंसान न चल सकता है, न दौड़ सकता है, न घूम सकता है और शायद ना ही बोल सकता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अधिक होती है ये डिजीज जो है, वो करीब करीब 50 और 65 साल के बीच में होने की संभावना होती है। दोस्तों, किन कारणों से पार्किंसन डिजीज होती है? अगर किसी को हेड इंजरी हो जाए या फिर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए या फिर उसके ब्रेन में काफी पानी भर जाए, ये ब्रेन इन्फेक्शन से भी हो सकती है, थायराइड से भी हो सकती है, अगर कोई दवाई ले रहा है और उसे कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाए उससे भी हो सकती है, या फिर कोई महिला या पुरुष उस जगह काम कर रहे हैं जहां पर वो जहरीला पदार्थ हो या फिर जहरीला एटमॉस्फेयर हो, जैसे इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया। इस डिजीज के क्या साइन और सिम्टम्स हैं? दोस्तों, जिस पेशेंट को पार्किंसन डिजीज हुआ है उनके हाथ और पैर कांपते हैं, उनका हर एक शरीर अकड़ जाता है, वो बहुत धीरे चाल चलते हैं, उनकी जो बॉडी है वो झुक जाती है, उनकी आवाज जो है वो बदल जाती है, वो बहुत एक कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। पार्किंसन डिजीज में 5 स्टेज होती है। नंबर 1 स्टेज में उनके जो पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा उन्हें पता नहीं चलता। दूसरे स्टेज में उनकी मसल अकड़ने लगती है, उनका पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता है। तीसरे स्टेज में उनकी जो एक्टिविटीज है, जो वो काम करते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, पर वो अकेला फिर भी वो अकेले काम कर सकते हैं। चौथी स्टेज में वो बिना वॉकर के और बिना असिस्टेंस के, यानी बिना सहायक से वो चल नहीं सकते हैं, उनका अकेला रहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। 5वीं स्टेज में उन्हें राउंड द क्लॉक उन्हें सहारे की जरूरत होती है। लास्ट स्टेज में, जो एडवांस स्टेज है, उन्हें वो अकेला नहीं उठ सकते और नहीं चल सकते, इसलिए उन्हें व्हीलचेयर की जरूरत होती है। इस डिजीज में कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है? दोस्तों, जिस पेशेंट को इनिशियल स्टेज में पार्किंसन डिजीज हुआ है वो डांस कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, वॉकिंग वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आर्म्स स्विंगिंग कर सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर योगा भी कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज पेशेंट के लिए कौन सा फूड सही रहेगा? वैसे तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, पर वो नॉर्मल फूड ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चीज खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, प्रोटीन रिच फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे कि मीट हो गया या फिर बीन्स हो गया। इन पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी और आपकी तरह होती है, वो बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, बट अगर वो एडवांस स्टेज में अगर पहुंच जाते हैं, यानी कि 5th स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि चलते चलते अगर वो नीचे गिर जाए तो उन्हें इंजरी या फिर उनके बोन फ्रैक्चर हो सकती है। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज के लिए कोई भी स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, पर हाँ, अगर जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हो वो डॉक्टर उस पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री को जानकर, साइन एंड सिम्टम्स को देखकर और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद वो बता सकता है कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज हुआ है या नहीं। इस डिजीज वाले पेशेंट कौन
कॉफी और ब्लैक टी पी सकते हैं क्योंकि इन दोनों में कैफीन की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे साइन और सिम्टम्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट मेडिकेशन पार्किंसन डिजीज के लिए है कार्बिडोपा लिवोडोपा। ये वो मेडिकेशन है, ये एक नेचुरल केमिकल है जो हम जिसको खाने के बाद वो मेडिसिन हमारे ब्रेन में जाकर डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद डोपामाइन की जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि पार्किंसन डिजीज क्योरेबल है या नहीं। पार्किंसन डिजीज बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं है, पर हाँ, अगर हम रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हैं तो काफी हद तक हम अपने साइन और सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और लेटर ऑन स्टेज में डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसे भी कह सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज या फिर एनारोबिक एक्सरसाइज। ऐसे पेशेंट को प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, सहारे और मदद की जरूरत है, शरण और संगत देने की जरूरत है। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो पर, तब तक थैंक यू, जय हिंद।